तो हम लोग जोरदार आवाज उठाएंगे कि ये मॉब लिंचिंग जो है बंद होनी चाहिए। 11 दिन बाद जो उन्होंने एफआईआर किए उसमें उन्होंने एक नाम छोड़ा है और वो नाम है चंद्रशेखर आजाद का, क्योंकि उस दिन इनके साथ चंद्रशेखर आजाद भी था। लेकिन अगर न्याय नहीं कर सकते हो और अगर सत्ता के आगे इतना जमीर मर गया तो फिर वर्दी पहनने का अधिकार आपको नहीं। मॉब लिंचिंग की घटनाएं देश में कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन ऐसी घटनाएं हो ही जाती हैं जो देश की कानून व्यवस्था पर तमाम सवाल खड़े करती हैं, और सरकार भी इस पर सख्ती नहीं बरतती। अगर सरकार सख्त हो, पुलिस अपना काम सही से करे तो ऐसी घटनाएं ना हो। लेकिन जो जहर राजनीतिक दलों ने भरा है जनता में, कहीं ना कहीं ये उसी का नतीजा है। बता दें कि अलीगढ़ में औरंगजेब की हत्या से प्रदेश की बीजेपी सरकार पर कानून व्यवस्था पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस प्रदेश के मुखिया बेहतर कानून व्यवस्था की बात करते हैं, उनके राज्य में ऐसी घटनाएं होना ये दर्शाता है कि उनके सारे दावे हवा हवाई हैं। जी हाँ, बता दें कि अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके के मामू भांजे में 18 जून की शाम चोरी के शक में रोटी बनाने वाले फरीद उर्फ औरंगजेब मजदूर की चोरी के शक में निर्ममता के साथ पिटाई की गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इस घटना से योगी सरकार पर तमाम सवाल खड़े हुए हैं। वहीं सबसे हैरत वाली बात तो यह है कि जिन नामजदों में से व्यापारी पर औरंगजेब की हत्या के आरोप लगे थे, उस व्यापारी की पत्नी की तरफ से थाने में औरंगजेब और अन्य 6 नामजद और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ डकैती और छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया गया। मतलब उल्टा मृतक को ही अपराधी बना दिया गया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष सरकार पर जमकर हमलावर है। विपक्ष के कई नेता मृतक के घर पहुंचकर परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने भी मृतक औरंगजेब के घर जाकर परिवार से मुलाकात की। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सत्ता की चौखटों पर दम तोड़ चुकी है। यहाँ मॉब लिंचिंग के तहत 12-15 लोगों ने लोहे की रॉड व डंडों से पीट पीट कर औरंगजेब की हत्या कर दी। उसको न्याय देने की बजाय उल्टे स्वजन पर रिपोर्ट कर दी गई। हत्या के आरोपित घूम रहे हैं। उन्होंने कप्तान से मांग की कि झूठे मुकदमे को खारिज किया जाए, वह इस मामले को संसद में उठाएंगे। चंद्रशेखर ने क्या कुछ कहा है, जरा आप भी सुनिए। हमारी कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, हम सबके साथ न्याय करते हैं, हम जाति धर्म नहीं देखते। प्रधानमंत्री भी कहते हैं हम कपड़े नहीं देखते, हम मजहब नहीं देखते। लेकिन अगर सच जानना हो तो आप अलीगढ़ आके देख लो, आपको पता लग जाए कि सच क्या है। सच ये है कि इन पे इसलिए मुकदमा किया गया, बोलते रहिए एमपी साहब जोर से बोलते रहिए, इन पे इसलिए मुकदमा किया गया कि उन आरोपियों को संबल दिया जाए, उनको बचाया जाए और इस परिवार को डराया जाए। इसलिए मुकदमा किया गया कि घटना को दूसरे रूप में बदला जाए, और जिस पे हम रोज पार्लियामेंट में इसके बाहर आवाज उठा रहे हैं, और अब आने वाले समय में जब सेशन चलेगा तो हम लोग जोरदार आवाज उठाएंगे कि ये मॉब लिंचिंग जो है बंद होनी चाहिए। ये भीड़ किसी की भी हत्या कर सकती है। ये भीड़ जो है, कोई शराब के नशे में, कोई अपने मन में कोई बात रख के बैठे हुए, कोई किससे किसी और कारण से नफरत करता है, किसका कारोबार क्यों चल रहा है, और वो अपना गुस्सा उतारने के लिए किसी को पीट पीट के मार देते साथ ही, और बाद में उसके ऊपर कोई भी आरोप लगा लो, ये चोरी करने आया था, ये को गाली दे रहा था, ये मंदिर में घुस गया था, या ये मस्जिद में घुस गया था, या ये कुछ और अपराध कर रहा था, कुछ भी कह दो। क्योंकि जब वो आदमी रहा तो जवाब कौन देगा, सच का कैसे पता लगेगा। तो आज ये है उत्तर प्रदेश, और इसी उत्तर प्रदेश में जहां गुंडों को, अपराधियों को बचाने वाले लोग हैं, तो उन अपराधियों को सजा दिलाने वाले मेरे जैसे लोग हैं। मैं मीडिया के माध्यम से पुलिस के सीनियर साथियों से कहूंगा कि जिस दिन वो इन बच्चों को अरेस्ट करने आए, इस एफआईआर में एक और नाम भी लिखें। उन्होंने एक नाम छोड़ा है। ये जो एफआईआर उन्होंने 11 दिन बाद की है, 11 दिन बाद जो उन्होंने एफआईआर की है उसमें उन्होंने एक नाम छोड़ा है और वो नाम है चंद्रशेखर आजाद का, क्योंकि उस दिन इनके साथ चंद्रशेखर आजाद भी था। उस दिन इनके साथ चंद्रशेखर आजाद भी था, इन गरीबों के साथ, इन कमजोरों के साथ, इन सताए हुए लोगों के साथ उस दिन चंद्रशेखर आजाद भी था, जिसका नाम आप लिखना भूल गए हैं। तो अपनी एफआईआर में एक नाम और लिखिए कि फरीद के साथ, जकी के साथ,
और तमाम लोगों के साथ चंद्रशेखर आजाद भी था, उन्होंने मिलके इस घटना को अंजाम देने का काम किया। और बताइए किस दिन आना है जेल में, और मैं चलूंगा आपकी जेल में इनके साथ। और मैं इस बात के लिए अटल वो कर रहा हूं संकल्प कि पुलिस बता दे किस दिन गिरफ्तारी देनी है, नाम बढ़ाए सप्लीमेंट्री में, उसी दिन गिरफ्तारी देंगे। लेकिन अगर न्याय नहीं कर सकते हो और अगर सत्ता के आगे इतना जमीर मर गया तो फिर वर्दी पहनने का अधिकार आपको नहीं, बिल्कुल नहीं आपको वर्दी पहनने का अधिकार। ये वर्दी तो है, ये वर्दी वो वर्दी है जिस पर अशोक चिन्ह है, जिस वर्दी को देखकर हर कमजोर पीड़ित शोषित मजलूम गरीब ये महसूस करता है कि इस वर्दी से मुझे न्याय मिलेगा, ये वर्दी मेरी रक्षा करेगी। और अगर वर्दी में बैठे लोग गरीबों की रक्षा नहीं कर सकते हैं, वर्दी पहनने वाले लोग अगर न्याय नहीं कर सकते हैं, और वर्दी पहने हुए लोग अगर सत्ता के आगे घुटने टेकने का काम कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि उनको वर्दी को पहनने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये वर्दी तो हमारा गौरव है।